अपने बच्चों के साथ शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय आई है विवाहिता रानी पत्नी सोनू निवासी देवीपुरा है। विवाहिता की शिकायत है उसका पति नशे का आदी है। उसके सास ससुर की मृत्यु हो जाने के बाद नशे की आदत के चलते पूरी संपत्ति को बेच दिया और वह अपने बीवी बच्चों के साथ मारपीट करता है, जिसके चलते विवाहिता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विवाहिता ने कई बार संबंधित थाने में जाकर शिकायत किए लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, तो विवाहिता अपने बच्चों को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची और अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। साथ ही विवाहिता ने मांग की है कि जो संपत्ति बची है उस पर रोक लगा दी जाए, जिससे कि उसका शराबी पति उसे ना बेच सके। अपने साथ हो रही घटनाओं के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए विवाहिता रानी ने जानकारी देते हुए बताया। जी, क्या नाम है आपका? रानी। रानी कहाँ की रहने वाली हैं? सायपुर सोसा। सोसा सायपुर की रहने वाली हूँ मैं। जी, क्या शिकायत लेके आई हैं आप? मैं ये शिकायत लेके आई हूँ, मेरा पति अकाल बहुत मारपीट करता है मेरे बच्चों को और मुझको बेघर कर दिया। करोड़ों की संपत्ति थी, उसने आधे ही रेट में निकाल लिया सारी संपत्ति को। मैं, मेरी एक कुलदेवी का मंदिर था, वो भी उन्होंने बिगर बताई है, पूरी संपत्ति बेच दी, मुझे कुछ नहीं बताया। और मैंने जब इसका विरोध किया तो मुझे मारपीट की उनके, मेरे पति ने और दोस्तों ने मुझे मारा, मेरी लज्जा भंग की और घर से बाहर निकाल दिया। कह दिया तेरा क्या है यहाँ पर निकल, और एक मारपीट करके ये बोले कि इसका गला दाब के इसको मार दो और इसको जमुना जी में फेंका। तो उसके दो दोस्तों ने बोला कि नहीं, पहले इनके माँ पिता और भाई सबको मार के फिर इसको मारेंगे। तो मेरे माँ और पिता बाप को सबको मारने के लिए वहाँ गए, तो वहाँ की पुलिस ने उन्हें ऐसा गिरफ्तार कर लिया, जेल भिजवा दिया, तमंचा मिला उनके पास, जेल भिजवा दिया उनको। तो वहाँ से वे जेल काट के आए तो फिर मुझको मारा पीटा, उनके दोस्तों ने सहयोग करा उनका और मुझे दोस्तों ने भी मारा पीटा और कहा कि इसको अब बिल्कुल खत्म कर दो या जान से मार दो उसको। तो मेरे पति ने कहा कि नहीं जा, दोनों बच्चों को ले जा जेल के नीचे जाके सबके मर जा, यहाँ तेरी कोई जगह नहीं, मैं तुझको रखना नहीं चाहता हूँ। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं और मेरे माँ बाप ने खूब ऐसा सारा पैसा लगाया मेरी शादी में, 10 लाख रुपए लगाए थे। मायका कहाँ है आपका? मायका मेरा। शादी कहाँ हुई है? शादी देवीपुरा में हुई है। देवीपुरा में? देवीपुरा बाज में। पति का नाम सोनू है। कितने साल पहले शादी हुई थी? 2019 में शादी हुई थी, 4 साल हो गई मेरी शादी को, 2 बच्चे हैं मुझ पे छोटे, एक साल। जब मेरे सास ससुर जिंदा थे तब तो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत बढ़िया से रखते थे। मेरे सास ससुर खत्म हो गए शादी के 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष बाद है, तो उन्होंने जब से मेरे साथ संपत्ति को देख के बौख लागे हुए और उनके दोस्तों ने उन्हें अयासी में और उसमें नशेबाजी में वो कर दिया होगा, काट दिया। अब वो जल्दी से मुझे घर में रखना नहीं चाहते। ये अपनी शिकायत ये लेके आई है कि जब इनके सास ससुर पहले जिंदा थे तो उनकी करोड़ों की संपत्ति, उन्होंने इतना पैसा कमाया था, लेकिन उनके मतलब सास ससुर की जैसी डेथ हुई तो इनके पति को लोभ लालच आया और सारा का सारा पैसा उन्होंने नशे में ऐसे उड़ा दिया। दोस्तों का अगर बर्थडे है तो उसमें वही खुद उड़ा रहे हैं पैसा, और उनकी करोड़ों की संपत्ति थी सब आधे भावों में बेच दी, यानी कि 1.5 करोड़ की समथिंग इनकी मतलब मकान था तो समथिंग इन लोगों ने 60,20,000 में इतने में बेच दिया। और उसमें बहनामा में इन लोगों ने वो भी नहीं दिखाया था कि इनका कुलदेवी का एक मंदिर भी था इनके घर में, तो इनका जो घर था वो कम से कम 32 कमरे थे। इनके जो पति के दोस्त थे वो हमेशा इनके घर पे आते थे, शराब पीते थे इनके, और ये अगर विरोध करती थी तो फिर क्या बोलते हैं, इनके साथ में मारपिटाई करते थे, इनका गला घिसने की कोशिश करी। तो इनके पति के जो दो दोस्त थे राहुल पहलवान और नंदू, उन्होंने कहा इसको गला घिस के मार के जमुना जी में फेंक दो। तो इनके पति जो है सोनू, वो कहते हैं कि नहीं, पहले इसके माँ बाप को मारूंगा उसके बाद में इसको फेंकूंगा। तो इनके जो पति थे, इनके मायके यानी कि सायपुर, वो तमंचा लेके गए और क्या बोलते हैं, वहां पे इनको इनके माता पिता के साथ में मारने की कोशिश करी। तो उसके पश्चात पुलिस ने, मगौरा पुलिस ने इनको तमंचे के साथ में गिरफ्तार किया। फिर 25 तारीख के आसपास इनके जो दोस्त थे वो इनकी जमानत करवा लाए थे इनके पति की। उसके बाद में अब इनके पति इनको मारने की धमकी देते हैं कि तू इस घर में दोबारा नहीं आएगी, मार पीट के इनको निकाल दिया। आज एसएसपी कार्यालय से मिले, क्या आश्वासन मिला है? सर ने ये कहा है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। इससे पूर्व में भी कोई शिकायत कही थी? नहीं, इनकी पहले ये बढ़िया रह रही थी लेकिन जब से हुई है, जब से इनके सास ससुर की डेथ हुई है।
जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार की सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयाँ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। जसवंत टेलीकॉम, हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल उचित दर पर रिपेयर किए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की ईयर लीड चार्जर स्पीकर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। जसवंत टेलीकॉम आपके विश्वास का नाम, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है हाईवे प्लाजा के सामने मंडी चौराहा मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। आईवीएफ में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर ओटी एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं सीएमसी बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ईएसआई कार्ड, बीएसएनएल के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं टीपीआई कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।